नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, दिल्ली में लग सकता है राष्ट्रपति शासन, हलचल तेज हो गई है। जी हां दोस्तों, क्या कुछ ताजा अपडेट आ रही है, विस्तार से जानेंगे इस खबर को। दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को यहां पर बताएंगे, हरियाणा बीजेपी में भूचाल आ गया है। जी हां दोस्तों, प्रत्याशियों ने टिकट वापसी करने शुरू कर दिए हैं, चुनाव लड़ने से ही बीजेपी के टिकट पर इनकार कर दिया है, ये भी अपडेट आ रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में मचा हड़कंप, और इसके साथ ही जानेंगे कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया कि भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है दोस्तों, राहुल गांधी पर ही मुकदमा करने की तैयारी कर ली है। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें एक एक करके जानेंगे, लगातार बने रहिएगा दोस्तों। बड़ी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है और जनता भाजपा का सुपड़ा साफ करेगी, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी सपोर्ट कांग्रेस जरूर ही कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले यहां पर। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल को बर्खास्त करने की बड़ी साजिश यहाँ पर भाजपा ने रची है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट, दिल्ली बीजेपी विधायकों की चिट्ठी राष्ट्रपति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है। दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। संबंध में दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था और अब राष्ट्रपति सचिवालय ने पर संज्ञान लिया है। बीजेपी विधायकों ने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। चिट्ठी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने का भी हवाला दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने यह पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को यहां पर भेज दिया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बीजेपी विधायकों के इस ज्ञापन को राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बाद इन संभावनाओं को और भी बल मिल गया है। बीजेपी के विधायकों ने यहां पर 30 अगस्त को की थी राष्ट्रपति से मुलाकात, ये यहां पर दोस्तों खबर आई है सामने। दिल्ली के अंदर जल्द ही विधानसभा का चुनाव होना है दोस्तों, उससे पहले भाजपा तमाम तरह की साजिशें रचती हुई नजर आ रही है केजरीवाल सरकार के खिलाफ में। यहां पर आम आदमी पार्टी के टॉप नेताओं को जेल के अंदर भेजा गया और अब जब यहां पर कई नेता बाहर आ चुके हैं, केजरीवाल भी जल्द ही बाहर आ सकते हैं, उससे पहले यहां पर सरकार को ही बर्खास्त करने की तैयारी हो रही है दोस्तों। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, अपडेट आ रही है सामने, हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशी ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। जी हां दोस्तों, हार देख करके अब तो प्रत्याशी भी पीछे हटने लगे हैं, भाजपा में पूरी तरह से डर का माहौल देखा जा रहा है। हरियाणा में भाजपा के प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। पेहवा विधानसभा से कमलजीत सिंह अचराना को बनाया था उम्मीदवार, जिन्होंने बीजेपी का टिकट यहां पर वापस कर दिया है और इनकार कर दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यहां पर जबरदस्त तरीके से भाजपा यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के चुनाव में अब तो नेताओं ने टिकट वापसी करना भी शुरू कर दिया है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपडेट आ रही है सामने, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने यहां पर एक बड़ा बयान दिया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी बोले, भारत में लड़ाई इस बात को लेकर के है कि क्या भारत में एक सिख को पगड़ी पहनने या गुरुद्वारे में जाने की इजाजत दी जाएगी। ये नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया, फिर क्या था, इस बयान के बाद भाजपा बौखला गई दोस्तों। और अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी पर केस दर्ज करवाएगी भाजपा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सिखों पर बयान पर आपत्ति जताई है, ये यहां पर अपडेट आई है दोस्तों सामने निकल के। आप लोगों की क्या कुछ राय है नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही बता सकते हैं आप लोग। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, बिहार की राजनीति से अपडेट सामने निकल के आ रही है, जहां एक तरफ यहां पर भाजपा की पैनी नजर चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसदों पर है, पार्टी तोड़ने की तैयारी की जा रही है। और इस बीच यहां पर जेडीयू ने तो पार्टी में फूट भी डलवा दी है। चिराग पासवान की पार्टी में नीतीश कुमार ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। लोजपा रामविलास के बड़े नेता ने थामा जेडीयू का दामन। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सियासी गलियारे से एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एक बार फिर चिराग पासवान की पार्टी में बड़ी सेंधमारी की है। जी हां, चिराग पासवान की पार्टी के एक बड़े नेता ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता नवल किशोर शर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में आस्था और विश्वास जताते हुए जेडीयू में शामिल हो गए हैं। उनके साथ में कई और नेताओं ने भी नीतीश कुमार की नीतियों पर भरोसा जताया और यहां पर जेडीयू में शामिल हो गए। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो चिराग पासवान की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है, जेडीयू भी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन यहां पर लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी जाए और इसकी यहां पर तैयारी भाजपा और जेडीयू ने मिलकर के कर ली है दोस्तों। और वैसा ही खेल अब किया जा रहा है, चिराग पासवान की पार्टी इससे पहले एक बार तोड़ी जा चुकी है और यहां पर यह खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। इसके साथ ही हरियाणा भाजपा की तरफ से भी खबर आ चुकी है सामने। आप लोगों को बताते चलें, भाजपा जो अभी तक चुनाव में नहीं करती थी, वो भाजपा को इस बार चुनाव में करना पड़ गया है। जी हां दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि भाजपा चुनाव में एक भी मुस्लिम को यहां पर टिकट नहीं देती है, यानी कि भाजपा कभी भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारती है, लेकिन इस बार यहां पर भाजपा ने टिकट दिया है। जी हां दोस्तों, हरियाणा भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची 2 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है। विनेश फोगाट के सामने बैरागी को उतारा गया है। बताते चलें, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 21 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। भाजपा की पहली सूची में 67 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। दूसरी सूची की खास बात है कि इसमें 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। बताते चलें, फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुनहाना से एजाज खान भाजपा उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि विनेश फोगाट के सामने कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा गया है। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। जानकारी के लिए दोस्तों बताते चलें कि हरियाणा में नामांकन के अब महज यहां पर 2 ही दिन शेष हैं। कांग्रेस ने 90 सीटों में से अब तक यहां पर 41 और भाजपा ने देख सकते हैं कि 67 और उसके बाद में दूसरी सूची में 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है भाजपा। और वहीं इस बीच खबर आ रही है कि टिकट नहीं मिलने के बाद हरियाणा के बीजेपी नेता देवेंद्र कादियान ने पार्टी छोड़ दी है और जबरदस्त तरीके से नाराजगी व्यक्त की है भाजपा को लेकर के। ये यहां पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।